नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के सेवेद न्यूज। सीमा सुरक्षा बल को मिली एक बड़ी कामयाबी। हीरानगर सेक्टर के कठुआ गांव में पाकिस्तान के ड्रोन को सीमा सुरक्षा बल ने मार गिराया। बीएसएफ के जवानों को एक यूएस निर्मित M4 राइफल, 2 मैगजीन, 60 कारतूस, 7 ग्रेनेड और चीनी निर्मित 4 बैटरी बरामद हुई है। आपको बता दें कि एक बड़ी आतंकवादी कार्रवाई का सामना करते हुए बीएसएफ जम्मू के सतर्क सैनिकों ने आज सुबह कठुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन M4 कार्बाइन मशीन, यूएस मेड, भरी हुई मैगजीन, 60 RDS और 7 नक्चीनी ग्रेनेड लेकर जा रहा था। बीएसएफ की खुफिया शाखा को पाकिस्तान से भारतीय पक्ष में हथियार और गोला बारूद लाने के लिए ड्रोन के संभावित उपयोग के बारे में इनपुट मिल रहे थे। तदनुसार सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। 20 जून को 5:10 बजे बीएसएफ पार्टी ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन के मूवमेंट को गौर किया। ड्रोन भारतीय क्षेत्र के अंदर लगभग 150 से 200 फीट ऊंचाई पर उड़ रहा था। जमीन पर सतर्क सैनिकों ने तेजी से एक्शन लेते हुए गोलीबारी की और उसे गोली मार दी। आइए अब हम बात करते हैं जम्मू से मेरे सहयोगी रजनीश परियान से। हेलो जी। हाँ रजनीश, आज पाकिस्तान ने जो ड्रोन कैमरा भेजा है वह क्या था? जी, ये हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बहुत बड़ी कामयाबी है। ये जो आज का जो ये किस्सा हुआ है, ये कठुआ डिस्ट्रिक्ट हीरानगर में हुआ है और पाकिस्तान की नाकाम हरकत को हमने बिल्कुल वो कर दिया है, नाकाम कर दिया है। और ये पाकिस्तान की तरफ से ये एक ड्रोन कैमरा था जो कि पाकिस्तान ने भेजा हुआ था हमारे हीरानगर सेक्टर में, जिसमें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इसको मार गिराया, नीचे गिरा दिया। और इसमें जो पाकिस्तान की तरफ से जो ये ड्रोन कैमरा था, इसमें काफी असला था। जब ये देखा गया और एकदम से हरकत में आ गई हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इसने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने सेक्टर हीरानगर में इसको मार गिराया। उसमें काफी असला है जो नीचे पड़ा हुआ पाकिस्तान का, जो मेड इन चाइना का, ये सारे जो जितने भी दारू बरूद था। सुरेंद्र जी, ये जो ड्रोन कैमरा जो हमारी जो सैनिक जो मार गिराई है या जो अपने कब्जे में कर लिया है, उसमें बिल्कुल हथियार भी लगे हुए थे क्या? जी सुरेंद्र जी, इसमें हथियार भी, ये ड्रोन कैमरा का जो वजन था तकरीबन 20 किलो के करीब था, और इस 20 किलो में कुछ गोले थे, कुछ पाकिस्तान की गन्ने थी, कुछ और भी इसमें सामान था जो नीचे, लेकिन उनपे जो लिखा गया है वो मेड इन चाइना लिखा गया है। और लेकिन ये आया पाकिस्तान की तरफ से और हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इनको नाकाम कर दिया, ये ड्रोन कैमरे को। सुरेंद्र जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। आज सुबह डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारी बीएसएफ की बीओपी है पानसर, यहाँ की पेट्रोलिंग पार्टी करीब 5:45 बजे बाहर पेट्रोलिंग कर रही थी। उस दौरान में इनको पाकिस्तान की तरफ, उनकी पोस्ट है ठाकुरपुरा जो कि नरोवाल शकरगढ़ के अंदर पड़ती है, वहाँ की डायरेक्शन से एक हेक्साकॉप्टर आता हुआ दिखाई दिया। पहले आवाज़ सुनाई दी, फिर जब इन्होंने ऊपर देखा तो हेक्साकॉप्टर जो है वो मूव करता हुआ इंडियन टेरिटरी की तरफ एंटर हुआ। जब ये 250-300 गज अंदर आ गया तो करीब 150 से 200 फुट की हाइट के ऊपर ये फ्लाई कर रहा था, तो नीचे से हमारी पार्टी ने फायर किया इसके ऊपर और इसको मार गिराया। गिरने के बाद में जब इस हेक्साकॉप्टर का सर्च किया गया तो उसमें से एक M4 US मेड वेपन, सेमी ऑटोमेटिक कार्बाइन रिकवर हुई, 60 राउंड उसमें से मिले हैं, 2 मैगजीन्स मिली हैं, 7 ग्रेनेड्स मिले हैं। और ये हेक्साकॉप्टर का
खुद का वजन कम से कम 17.5-18 kg है और ये पेलोड जो कैरी कर रहा था करीब 5 से 5.5 kg का पेलोड कैरी कर रहा था। ये हेक्साकॉप्टर में ज़्यादातर जो पार्ट्स हैं वो चाइनीज़ मेड हैं और इसके साथ में एक विंच सिस्टम लगा हुआ है जिससे ये जो पेलोड था वेपन और ग्रेनेड्स इसको डाउनलोड करने में एक मैकेनिज्म होता है और जिससे कि जो इस साइड में रिसीव करने वाला आदमी है वो उसको डिस्कनेक्ट करके कलेक्ट कर लेता है और उसके बाद में हेक्साकॉप्टर जो है वो वापस पाकिस्तान टेरिटरी में चले जाना था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो कि अवर्ट कर दिया है अलर्ट ट्रूप्स ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जम्मू फ्रंटियर में और फर्दर जो है इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है J&K पुलिस ने और हमें उम्मीद है कि इसमें और भी लीड जो है वो मिलेंगे। देखिए अगर आप वेपन और ग्रेनेड्स को देखते हैं तो ये कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट करने की इनकी साजिश थी। इसका मतलब है कि इसके नज़दीक में ही कोई 1-1.5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर ही कोई टेररिस्ट या कोई OGWA जो है बैठा हुआ था जिसने इसको रिसीव करना था, तरह का है तकरीबन उसी तरह का है। लेकिन ये एक पहली बार है जबकि किसी ड्रोन को जो है वो शूट करके गिराया गया। देखिए ये एक नया चैलेंज है, एक नई डायमेंशन है थ्रेट की। अगर हम देखते हैं तो ये एक नई डायमेंशन है। ड्रोन का जो थ्रेट है ये पिछले 1 साल से तकरीबन आ रहा है, जैसे आपने खुद ही बताया कि पंजाब में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, तो उसको लेके हमारी जितनी इंटेलिजेंसीज हैं उन्होंने हमको सतर्क किया हुआ था और उसके हिसाब से हमने जितने ट्रुप्स जो बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉयड हैं उनको अलर्ट किया हुआ है। तो अभी जितने भी ट्रुप्स हैं वो आकाश की तरफ भी देखते हैं, ज़मीन में भी देखते हैं और पाताल में भी देखते हैं। तो ये आप देख लीजिए कि एक नया किस्म का जो है ये डायमेंशन है, तो हम इसके ऊपर आगे सिस्टम को और स्ट्रेंथन करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे हैं लगातार कि इस प्रकार से पाकिस्तान जो है वो इस प्रकार की कार्रवाई कर रहा है और करेगा। तो M4 वेपन अपने आप में एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन है, ये अमेरिकन मेड वेपन है। ये तो पाकिस्तान को कैसे सप्लाई हुआ है ये देखने की बात है, टेररिस्ट ग्रुप्स के पास में कैसे पहुंचा है, किस प्रकार से ये इस साइड को ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ये फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात है, लेकिन ये काफ़ी सीरियस मामला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ड्रॉप अ लाइक, लीव अ कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।